हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है 7th क्लास का है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपके चैप्टर 10 चल रहा है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें चल रहा है टॉपिक ब्रीथिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग इन प्लांट्स, ठीक है। अगर ब्रीथिंग देखा जाए प्लांट्स के अंदर, ब्रीथिंग इन प्लांट्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको इंसेक्ट्स के अंदर, फिश के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया था। प्लांट्स में देखिए तो रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है, प्लांट की जो रूट्स है वो एयर को लेती है। कहां से लेती है? जब सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में सॉइल क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वहां से वो क्या करती है, प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से यूज करते हैं। तो प्लांट्स की रेस्पिरेशन जो रूट्स में होता है वो एक्सचेंज गैसेस, गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, EXCHNG, ठीक है। कौन कौन सी? O2 एंड CO2, ठीक है। O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू हो रहा है? रूट हेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? रूट हेयर्स के थ्रू होता है। और इस तरीके से सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलें आगे एक तरफ बात करें, चलते हैं। ये जो चैप्टर है आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोगों के ये चैप्टर 10 है, ठीक है, कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 11 है, ट्रांसपोर्ट जो होता है एनिमल्स में किस तरीके से होगा, ठीक है। चैप्टर चेंज कर लीजिए, चैप्टर का नाम लिखे आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है, चैप्टर 11। और चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, चलिए जी बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे राहुल सर, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, काफी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और क्या क्या उसके लिए जो कंसिस्ट करते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है। ब्लड किसको लेके जाता है, ब्लड कैरीज करता है, क्या कैरीज करता है, डाइजेस्टेड फूड, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो जो खाना पच जाता है, जो डाइजेस्टेड होता है, उस डाइजेस्टेड फूड को कौन लेके जाता है भैया, जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड वॉटर और ऑक्सीजन को साथ में लेके जाता है, वॉटर एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जो ब्लड होता है, ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फूड वाटर और ऑक्सीजन से मिलकर के हमारे बॉडी पार्ट्स मिलाकर के बताता है, ठीक है। यानी कि ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। एक तो होता है फूड को कंसिस्ट करता है, वाटर को करता है, ठीक है, फूड है वाटर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, फूड है वाटर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी कि देख लीजिएगा आप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फूड वाटर एंड ऑक्सीजन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो हार्ट और ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज और वेन्स कैपिलरीज को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, स्टार लगा करके लिखिएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट करता है एक तो हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, हार्ट, और जो हार्ट होता है ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में क्या क्या है, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज है, कॉमा वीन्स है, ठीक है, एंड कैपिलरीज CAPALL, ठीक है,
कैपलरीज, ARIES, ठीक है। तो यानी कि आर्टरीज है, वीन्स है, कैपलरीज है, इन्हें कंसिस्ट करता है, और साथ में किसको कंसिस्ट करता है, ब्लड को, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ब्लड वेसल्स को रखता है, हार्ट को रखता है। अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या है, आर्टरीज है, वीन्स है, कैपलरीज है, ब्लड को रखता है, ठीक है। बात करें ब्लड की, ठीक है, ब्लड क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं तो ब्लड एक रेड कलर लिक्विड होता है। कैसा होता है, रेड कलर लिक्विड होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, विच फ्लोस, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। जो ब्लड है वो रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लोज होता है, ठीक है, फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है वो चार कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, ठीक है, फोर कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। ब्लड जो है फोर कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है, एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा को रखता है, रेड ब्लड सेल्स को रखता है, ठीक है, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ब्लड है वो चार तरीके के कंपोनेंट्स को रखता है, एक तो प्लाज्मा है, और फिर रखता है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को रखता है, ठीक है। और बात करें सबसे पहले प्लाज्मा की, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक एक टॉपिक। प्लाज्मा की बात करें, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, हमारे एक बॉडी, हमारे एक ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, क्या है ये, एक लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है जिसमें 90% तो क्या होता है, वॉटर, क्या होता है, 90% वॉटर होता है, एंड 3.5% क्या होता है भैया, कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। यानी कि 90% वाटर और 3.5% क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। और प्लाज्मा जो है वो वाटर और सब्सटेंस को कंसिस्ट करता है। प्लाज्मा जो है एक तो किसको रखता है, वाटर को रखता है, एंड इसमें जो सब्सटेंस है वो डिजोल्व रहते हैं, जैसे इसमें क्या रहते हैं, एक तो डाइजेस्टेड फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, ओके। प्लाज्मा जो रहती है लिक्विड कलर का एक चिकना स्टिकी सब्सटेंस होता है, और कैसा होता है, ये येलो होता है, कैसा होता है, येलो होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, बात करें आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ। अगली हेडिंग आ जाइए रेड, ठीक है, ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका शॉर्ट में नाम बोल दीजिए, पहली बात तो आरबीसी, ठीक है। और हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा पार्ट होता है, यानी कि 99% जो होती है ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड की 99% ब्लड की रेड ब्लड सेल्स होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, किसको कैरी करती है, ठीक है, ऑक्सीजन को ये कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम लंग्स, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इनमें जो होता है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड की 99% होती है, ठीक है। इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइड, ERY, इरिथ्रोसाइड, CYTES, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइड्स, ये हमारे ब्लड की 99% होती है, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड रहता है, ठीक है। और आरबीसी जो होती है, ठीक है, 120 डेज इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कितना होता है, 120 डेज इनका टाइम पीरियड होता है। चलें आगे, अगला जो आता है वो आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, LUCOCYT है, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारे ब्लड की 1-2% तक होती है, ठीक है, और इन्हें सोल्जर सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोल्जर
सेल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो डेड सेल्स है उनको डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की जो डेड सेल है, ठीक है, डेड सेल्स है उनको क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की जो डेड सेल्स है उन्हें डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, जो WBC होता है, ठीक है, और ये किससे लड़ती है, फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन से ये लड़ती है। ठीक है, और डिजीज से हमें प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट, ठीक है, फ्रॉम डिजीजेज। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये सोल्जर सेल्स के नाम से जाना जाता है, डेड सेल को डिकम्पोज कर देती है। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 4 to 5 days होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 to 5 days। बनती किस में है, बोन मैरो में। ठीक है, प्रोडक्शन एरिया इनका क्या होता है, बोन मैरो। ठीक है, आगे चलें बात करें। ठीक है, बोन मैरो हो गया इनका प्रोडक्शन एरिया, इसके बाद बात करें प्लेटलेट्स। ठीक है, हेडिंग डालें प्लेटलेट्स, PLATLETS प्लेटलेट्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग बनाने के काम में आते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का। अब प्लेटलेट्स में क्या होगा, रिडक्शन होगा। प्लेटलेट्स में यदि रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनेगी। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, रिडक्शन होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनेगी, और अनकंट्रोल फॉर्म में, ठीक है, अनकंट्रोल फॉर्म में क्या होगा, ब्लड बहता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, अनकंट्रोल फॉर्म में ब्लड फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और ब्लड, ठीक है, और ये स्टॉप नहीं होगा, इसलिए प्लेटलेट्स की काउंटिंग होना जरूरी है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स इनका नाम है, और 8 से 10 दिन इनका टाइम पीरियड होता है, 8 से 10 दिन, और बनने का तरीका वही है, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में। ठीक है, 8 से 10 दिन। इसके बाद ब्लड के फंक्शंस आ जाइए, ब्लड क्या क्या काम करता है, ब्लड के फंक्शंस। ठीक है, ब्लड के जो है, मैं इधर लिख रहा हूँ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड क्या क्या काम करता है, ब्लड एक तो आप लोगों के क्या ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड को, किसको लेके जाता है, ब्लड किसको कैरी करता है, एक तो करता है डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, देख लीजिएगा, कई सारे हैं, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है। सेकंड पॉइंट जो है, ब्लड किसको लेके जाता है, वाटर को, ठीक है, कैरी करता है। ब्लड किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, ब्लड कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, जैसे CO2। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ब्लड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, ये भी ब्लड लेके जाता है। ठीक है, कहां तक लेके जाता है, टू किडनी। ठीक है, फ्रॉम लीवर। ठीक है, ब्लड क्या है, प्रोटेक्ट रखता है, क्या प्रोटेक्ट रखता है, हमारे बॉडी को। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है, किससे प्रोटेक्ट रखता है, डिजीजेस, बीमारियों से। ठीक है, तो ब्लड डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, वाटर को कंसिस्ट करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है CO2 उसको बॉडी सेल से लेकर आता है। ठीक है, यूरिया को लीवर से लेकर आता है और किडनी तक ले जाता है, एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन की फॉर्म में, ब्लड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, बात करें ह्यूमन हार्ट की, यदि बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के ह्यूमन हार्ट। ठीक है, चलें आप ह्यूमन हार्ट, मैं आप लोगों को बता दूं जो हर्ट होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को, जब आप 6th क्लास में थे तो भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से बता चुके थे। ठीक है, जो ह्यूमन हर्ट होता है, ठीक है, हर्ट की यदि बात करें, ह्यूमन हर्ट होता है, ये क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है ये ह्यूमन हर्ट, मैं आप लोगों को पहले इसकी थ्योरी बता दूं। ह्यूमन हर्ट जो होता है, क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, कैसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं करता, ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड की पंपिंग करता है। ये हमारे शरीर में बात करें, ठीक है, ये हमारे शरीर में 4 पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, किधर होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट की जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, यानी कि 70% तो होता है लेफ्ट हैंड की तरफ, और बात करें 30% होता है राइट हैंड की तरफ। यानी कि वैसे इसकी पोजीशन हार्ट की कहाँ होती है, मिडिल में होती है। कहाँ होती है हार्ट की पोजीशन, मिडिल में होती है हमारे शरीर के अंदर। बट ज्यादातर पार्ट किधर होता है, लेफ्ट में, और कम पार्ट किधर होता है, राइट में होता है।
ह्यूमन हार्ट के जो होते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? सबसे पहले हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ चैम्बर, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर के, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक बॉल्ब लगा होता है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बीच में एक बॉल्ब लगा होता है। सबसे पहले जो ब्लड आता है वो हमारे फ्रॉम बॉडी पार्ट्स से आता है। कहाँ से आता है? बॉडी पार्ट्स से ब्लड आता है। ये ब्लड कैसा होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड का मतलब ऐसा नहीं है गंदा ब्लड है कि शरीर से निकाल दो, यानी कि इसमें CO2 डिजोल्व होती है, ठीक है, CO2 घुली हुई होती है। इम्प्योर ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, ठीक है, ये छोटी छोटी वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है, वेन्स के थ्रू आता है, यानी कि वेना कैबा बोल सकते हो। वेना कैबा बन जाती है छोटी छोटी वेन्स मिलकर के। तो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक आप लोगों के ट्राइकस्पिड बॉल्ब लगा हुआ रहता है। कैसा बॉल्ब है? ट्राइकस्पिड बॉल्ब लगा हुआ रहता है। जैसे ही इम्प्योर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा फर्स्ट में, तो ट्राइकस्पिड बॉल्ब ओपन होगा और आपके इम्प्योर ब्लड किस में आ जाएगा? फोर्थ चैम्बर में, ठीक है। किस में आ गया? फोर्थ चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। आ गया। इसके बाद इम्प्योर ब्लड यहां आने के बाद इस इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाया जाता है? ये प्योरीफाइड होने के लिए कहाँ जाता है, ठीक है, हमारे शरीर के, ठीक है, लंग्स वाले पार्ट में जाता है, ठीक है, लंग्स वाले सेक्शन में जाता है। लंग्स में क्या करते हैं हम लोग? कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। तो यानी कि ये इम्प्योर ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेना कैवा हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू ये किस में जाता है? लंग्स में जाता है, ठीक है। किस लिए जाता है? ये प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, फॉर प्योरिफिकेशन, PURIFICATION, प्योरिफिकेशन के लिए जाता है। यहां से अगेन ये प्योरिफाइड होकर के अब प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। इम्प्योर ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहां वेना कैवा थी, यहां पे पल्मोनरी आर्टरीज, अब आ जाओ लंग्स से ही आ रहा है तो पल्मोनरी तो वर्ड आएगा लंग्स के लिए, ठीक है, और वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये प्योर ब्लड आ गया आपके सेकंड वाले चैप्टर में। सेकंड और थर्ड चैप्टर के बीच में आपके जो वॉल्व लगा हुआ है उसे बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड बॉल्ब बोलेंगे। ये ह्यूमन हार्ट का सबसे मजबूत बॉल्ब होता है, ठीक है। जैसे ही प्योर ब्लड का प्रेशर इस चैम्बर में बढ़ेगा ये बॉल्ब ऑटोमेटिकली ओपन होगा और आपके जो प्योर ब्लड है थर्ड वाले चैम्बर में आ जाएंगी, ठीक है। यहां पर आ गया ये प्योर ब्लड, ठीक है, आ गया प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड दोबारा जहां बॉडी पार्ट्स पे आया था वहीं बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा और किसके थ्रू चला जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। और छोटी छोटी आर्टरी मिसकल क्या बना देती है? ऑर्टा। क्या बना देती है? ऑर्टा। अगेन आप सुन लीजिए, राहुल सर ने क्या बताया था, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड की पंपिंग करता है, ठीक है। हार्ट का ज्यादातर पार्ट लेफ्ट साइड में होता है और कम वाला पार्ट राइट साइड में होता है, यानी कि 70% लेफ्ट साइड है, 30% राइट हैंड साइड, ठीक है। और हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड, जो कि ब्लड को पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। हार्ट हैज ए 4 कंपार्टमेंट, उन्हें चैम्बर्स बोला जाता है। हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स, उन्हें चैम्बर्स बोला जाता है। द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट हैंड साइड इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है। एंड 30% पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो वी कैन से हार्ट इज सिचुएटेड टू द टोटली 70% लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हार्ट इज 70% लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए हार्ट को बोला जाता है कि ह्यूमन शरीर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होता है। फिर इसकी वर्किंग में आ जाओ, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल होता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, 4 चैम्बर है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं उसके। कौन कौन से होते हैं 4 चैम्बर? एक तो होता है राइट, ठीक है, RIGST, राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल, ठीक है। फिर होता है उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। फिर होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, एंड फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये रहा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारी बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड का मतलब गंदा ब्लड नहीं है जिसमें CO2 घुली हुई है,
ठीक है, CO2 डिजोल्व इन प्योर ब्लड, छोटी छोटी वेन्स मिलकर के वेना कैवा बनाती है, उसी वेना कैवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगा हुआ जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही प्योर ब्लड का प्रेशर राइट ऑरिकल में बढ़ेगा ये वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन होगा, जैसे दो टंकियों के बीच में एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर यहां से इम्प्योर ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, यहां पर रेस्पायरेशन के थ्रू, किसके थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू ये क्या हो जाता है, प्योरिफाइड हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में प्योर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ये वॉल्व ऑटोमेटिक ओपन होता है और आपके प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है वो अगेन जहां से आया था बॉडी पार्ट से वहीं चला जाता है, ये वहीं चला जाएगा, छोटी छोटी आर्टरीज यानी कि मिलकर के आर्टरी बनाती है और वहीं चली जाएगी। ये तो रहा हार्ट का, ठीक है, पूरी वर्किंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपके डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, फिर आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के एक्सक्रीशन एनिमल्स में किस तरीके से होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में भी किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।